दोस्तों हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जुड़ी भर्तियों के लेकर आपके काफ़ी कमेंट आ रहे हैं और आज हम इन्हीं कमेंट का रिप्लाई करने वाले हैं। मेनली आपके हरियाणा पुलिस से जुड़ी बातें और सीईटी अभी तक क्यों नहीं हो पाया है और सीईटी का जो सिलेबस पैटर्न है वो किस प्रकार से रहने वाला है और जो क्लर्क भर्ती का जो रिजल्ट रद्द कर दिया है वो कब तक जारी होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे विशेष रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हरियाणा पुलिस भर्ती से जुड़ी कुछ बातें जो कि आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि मेल कांस्टेबल का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ है। और जो भाई आपको पता है 11 मई को जब सुनवाई थी हरियाणा पुलिस भर्ती की तो उसमें एजी साहब जो हैं वो नहीं पहुंच पाए, इसी कारण आपको 6 तारीख दी गई है। मैंने ये पहले ही बताया था और जब ये डेट बढ़ा दी गई थी तो मैंने उस समय टेलीग्राम चैनल पर भी ये न्यूज़ शेयर की थी। आप शायद टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी तक टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और सीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी इस सब्जेक्ट के नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं जो कि आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं और न्यूज़पेपर की कटिंग जो है वो भी हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। तो भाई दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, जब तक फीमेल कांस्टेबल का रिज़ल्ट क्लियर नहीं हो जाता है उससे पहले मेल कांस्टेबल का रिज़ल्ट जारी नहीं होगा। अब आप ये कमेंट करेंगे कि ये बात तो हमें भी पता है। भाई आपको जब पता है तो बार बार आप यही कमेंट क्यों करते हो? हर वीडियो के नीचे यही कमेंट मिलता है कि मेल कांस्टेबल का रिज़ल्ट क्यों नहीं जारी हुआ, फीमेल कांस्टेबल का रिज़ल्ट कब तक क्लियर हो जाएगा। तो भाई क्लियर होने की बात ये है फीमेल कांस्टेबल का, 11 मई को यही उम्मीद थी सभी को कि भाई अब तो एजी साहब जो हैं वो इस केस की पैरवी करने वाले हैं और शायद 11 मई को आपका जो फैसला है वो अंतिम फैसला होगा, लेकिन इसमें तो एजी साहब पहुंच नहीं पाए, इसी कारण आपको 6 जुलाई की बहुत ही लंबी जो डेट है वो आपको दे दी गई है। अब 6 जुलाई को इसका जो अगला फैसला है वो आने वाला है कि भाई क्या होता है इस फैसले में। लेकिन फ़िलहाल HSC ने 3 नए और जो फॉर्मूले हैं वो हाई कोर्ट को पेश किए हैं, बिल्कुल सील बंद फॉर्मूले, वो सार्वजनिक नहीं किए हैं। अगर सार्वजनिक होते तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करते क्योंकि हम अंदर की बातें सबसे पहले लेके आते हैं। तो भाई 3 फॉर्मूले HSC ने जारी किए हैं और तीनों फॉर्मूलों को सील बंद करके कोर्ट में भेज दिया गया है और उसमें 150 बच्चों के जो रिज़ल्ट हैं वो भी डाले गए हैं उस फॉर्मूले के आधार पर। हर फॉर्मूले से 50-50 बच्चों के रिज़ल्ट तैयार करके और कोर्ट में बंद लिफाफे में भेजा गया है। अब कोर्ट में जाकर ही वो लिफाफे खोले जाएंगे और कोर्ट तय करेगा कौन सा फॉर्मूला लगाकर फीमेल कांस्टेबल का रिवाइज रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। उसी प्रकार से फिर मेल कांस्टेबल का फाइनल रिज़ल्ट जो जारी होना वो उसी फॉर्मूले से के आधार पर आपका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। अब दूसरा सवाल जो है भाई आपका जो CET को लेकर है, तो मैंने भाई आपको पहले बता दिया था कि जब ये बोल रहे थे कि जून महीने में CET होगा तो मैंने उसी समय बता दिया था जून महीने में आपका 101% CET नहीं हो सकता। अब अगस्त की जो बता रहे हैं, अगस्त में भी कोई संभावना नहीं है भाई CET हो जाएगा आपका, आप ये देख लेना। बस बाकी इतना है कि डेट मिलने के बाद जो है आप अपनी तैयारी को बढ़ा देते हो, उसमें तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा क्योंकि जब जून महीने का मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया था तो आपने ज़ोरों से अपनी जो तैयारी है उसमें लगा दिया था, लेकिन आप फिर आप ढीले पड़ गए हो भाई। लेकिन आप अपनी तैयारी लगातार करते रहिए क्योंकि सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच आपकी जो परीक्षा है होनी है क्योंकि अब तो चुनाव आ जाएंगे, चुनाव के बाद चुनाव में तो स्कूल बिजी और पूरा जो टीचर स्टाफ है वो बिजी हो जाएगा, हरियाणा पुलिस है वो बिजी हो जाएगी, तो आपके एग्ज़ाम कौन करवाएगा फिर। और हालांकि एग्ज़ाम तो NTA के द्वारा करवाना है लेकिन उसमें ड्यूटी भी तो लगाई जाएगी स्टाफ की और जो स्कूल भी तो चाहिए उसके लिए, क्योंकि सेंटर तो आपके हरियाणा में ही रहने वाले हैं, ये तो है नहीं CET का सेंटर आपका अदर स्टेट में आएगा, डिस्ट्रिक्ट तो अलग हो सकता है भाई क्योंकि आपको पता है पीछे भी देखा होगा इधर के उधर, लेकिन ये नहीं है कि भाई दिल्ली में आपके सेंटर आ जाएंगे या फिर और राजस्थान में सेंटर आ जाएंगे, रहना आपका हरियाणा में ही है तो उसके लिए स्कूल की भी तो आवश्यकता पड़ेगी।
तो उसी हिसाब से अरेंजमेंट किया जा रहा है। एनटीए के द्वारा आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। और एनटीए के पास अभी फ़िलहाल मैंने कल ही एक पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर शेयर की है, उनका जो कैलेंडर है, जो एग्ज़ाम करवाने का जो कैलेंडर है, उसमें कहीं पर भी एचएससी का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है कि भाई हम एचएससी सीईटी का एग्ज़ाम भी लेने वाले हैं। मैंने कल ही वो पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर शेयर की है। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन भाई डिस्ट्रिक्ट चेंज हो सकते हैं, स्टेट चेंज नहीं हो सकता आपका सीईटी के लिए। और दो एग्ज़ाम होने हैं, इन बातों का तो आपको भी पता है, दो एग्ज़ाम होने हैं, ग्रुप सी का अलग, ग्रुप डी का अलग। लेकिन इसी बीच एक बात और आती है ग्रुप सी और ग्रुप डी को लेकर। हरियाणा में फ़िलहाल क्या है कि सीईटी के बाद ग्रुप सी के पदों पर भर्ती आएंगी, न कि आपकी ग्रुप डी के पदों पर और टीचर्स के पदों पर। टीचर्स के तो ऑलरेडी सीईटी से बाहर हैं, लेकिन अभी ग्रुप सी के पदों पर ही भर्ती आएंगी। ग्रुप डी की भर्तियाँ और टीचर्स की भर्तियाँ आने में अभी काफ़ी समय लगेगा। पहले ग्रुप सी की भर्तियाँ जो है वो करवाई जाएंगी, इसमें ड्राइवर की होगी, कंडक्टर की होगी, ग्राम सचिव, पटवारी वाली और क्लर्क, ये काफ़ी बड़े जो पद हैं, इन सभी पदों पर जो है आपकी ग्रुप सी की भर्तियाँ करवाई जाएंगी। और दोस्तों इसी बीच क्या है, आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती भी आ सकती है 2023 में। 2023 के स्टार्टिंग में आपके शायद एप्लीकेशन फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे। और भाई जो होमगार्ड के पदों पर जो भर्ती है वो भी आपकी ग्रुप सी के अंतर्गत आएगी। हरियाणा पुलिस में होमगार्ड के पदों पर ये भी भर्ती जो है दिसंबर महीने तक आने की पूरी पूरी संभावना है। और काफ़ी पदों पर ये भर्ती आने वाली है, मेल और फीमेल दोनों इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो जैसे ही इसके रिलेटेड कोई न्यूज़ आएगी तो वो भी हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो सीईटी होगा उसमें भी पहले तो जो डेट जारी की गई थी उसमें 3 या 4 दिन का समय दिया गया था कि भाई ग्रुप सी का पहले करवा लिया जाएगा और ग्रुप डी का बाद में। लेकिन अब ये जो डेट है, अगर जिस प्रकार से ग्रुप सी की भर्ती आएंगी तो इस हिसाब से 1-1.5 महीने का समय लग सकता है सी और डी के एग्ज़ाम करवाने में, ये आप देख लेना। और भाई जो आपका सिलेबस पैटर्न है वो तो आपने देख लिया होगा कि भाई जो 75% जो इंग्लिश हिंदी वगैरह जो आते हैं, रीजनिंग, और भाई 25% जो है आपका वो आपकी हरियाणा जीके रहने वाली है। अब ये नहीं पता हरियाणा जीके आएगी या फिर नहीं आएगी, क्योंकि हरियाणा पुलिस के पेपर में आपने देखा होगा हरियाणा जीके के सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन थे, और किसी सेट में तो भाई हरियाणा जीके किसी में तो दी भी नहीं गई थी। तो वो आप अपना देख लेना, अभी तक तो यही बताया गया है जो ऑफिशियली नोटिस जो जारी हुआ था एचएससी की ओर से। और वो ऑफिशियली नोटिस तो आपने देख भी लिया होगा, नहीं देखा है तो टेलीग्राम चैनल से आप उसकी पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्लर्क भर्ती के बारे में। क्लर्क भर्ती का क्या है कि 3 महीने का समय उसमें दिया गया है, बता है आपको, फिर भी कॉमेंट आ रहे हैं कि अब रिजल्ट जारी होगा। तो भाई रिजल्ट जारी होने से पहले आपका डीवी करवाया जाएगा, डीवी आपने पंचकुला जाकर करवाना है, ऑनलाइन डीवी आपका नहीं होगा। और एचएससी ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाले जो 5 नंबर वाला जो सिस्टम है उसमें तहसीलदार के पास आपने बनवाना होता है। और जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है वहाँ पर भी, जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर जो क्लेम करते हैं उन कैंडिडेट्स की, कि भाई अपना जो सर्टिफिकेट है वो अपना प्रमाण पत्र जो भी है वो बनवा नहीं पाते हैं। तो इसी कारण एचएससी ने पहले ही अलर्ट कर दिया है आपको, भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अगर उस समय आप सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाले 5 नंबरों का प्रूफ नहीं देते हैं तो आपका जो हो माना नहीं जाएगा। और जो पहले से लगे हुए हैं उनके लॉगिन आईडी पासवर्ड उन कर्मचारियों को दे दिए जाएंगे, उनके भी दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अगर उस समय कोई गलती पाई जाती है तो उनके खिलाफ कोर्ट केस भी होगा। तो भाई 3 महीने के अंदर अंदर जो है आपका रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और एचएससी का पूरा स्टाफ क्लर्क भर्ती के पीछे लगा हुआ है, और क्लर्क भर्ती के साथ साथ एएलएम भर्ती का भी प्रेशर था, लेकिन एएलएम भर्ती का तो रिजल्ट जारी कर दिया है 2-3 दिन पहले ही, हमने आपके साथ जानकारी शेयर भी की थी। और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे वो साथी भी भाई एएलएम वाले, अब उनका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। और कोई क्वेश्चन हो तो दोस्तों कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ये आपके मेन क्वेश्चन थे, बार बार आपके यही क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई इनके क्वेश्चन के किसी में कुछ पूछा जा रहा था, किसी में कुछ पूछा जा रहा था। दोस्तों तो आपको स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, बिल्कुल हम गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते, हम व्यूज के चक्कर में नहीं रहते भाई,
चाहे हमारी वीडियो पर व्यू एक आए या फिर हमारी पर 10 आए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देना है और वो भी स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन देना है। और सबसे पहले आपके पास हरी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े सभी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।